दोस्तों, अगर आपके भी घर में कार है, फोर व्हीलर है, या फिर आप लाने की सोच रहे हैं कि साल भर बाद, दो साल बाद, छह महीने बाद कभी कार लाएंगे, तो ऐसे में आपको जो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल कर आ रहे हैं, वो जरूर जान लेने चाहिए। दरअसल सरकार कार में सवारी करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। सरकार का कहना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी कार में ट्रेवल कर रहे पैसेंजर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी है। अब देश की हर कार सुरक्षित होगी, आपकी कार की सुरक्षा के लिए सरकार एक नया सेफ्टी प्रोग्राम लेकर आ रही है, जिसमें एक तो सीट बेल्ट का भी नया नियम तैयार हो चुका है और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए। आइए जानते हैं कि आखिर कार को लेकर सरकार ने क्या कुछ नए नियम, कानून, कायदे बनाए हैं, जिनसे कि आपकी कार में यात्रा जर्नी और भी बेहद सुरक्षित होगी। अब मतलब ग्लोबल या यूरोपियन जो एनकेप टेस्ट होता ना, उसकी तरह हमारे भी सेफ्टी स्टैंडर्ड होंगे। एयरबैग, सीट बेल्ट और ईवी के शोर से जुड़ा भी एक नया नियम आ रहा है। ग्लोबल एनकेप की कार सेफ्टी रेटिंग में कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं, उनसे ऊपर हमारे देश में सेफ्टी प्रोग्राम सरकार बना रही है। आपको बताऊंगा, हाल ही में सरकार ने इस तरह का नया नियम भी लागू किया था कि कार का चाहे कितना ही छोटा से छोटा बेस वेरिएंट भी क्यों ना हो, 6 से 7 सेफ्टी फीचर सरकार ने कंपलसरी कर दिए हैं। और इसके अलावा एयरबैग की संख्या भी हाल ही में सरकार ने बढ़ाई थी, राइट। उसके बाद अब सरकार की तरफ से कुछ और नए नियम लागू किए जा रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी जी का क्या कहना, जो कि हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उनका कहना है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एनकेप को शुरू करेगा। ये ग्लोबल एनकेप और यूरोपीय एनकेप कार सेफ्टी प्रोग्राम की तरह ही उनकी सुरक्षा और मजबूत पर स्टार रेटिंग देगा। मतलब अब हमारा भारत का खुद का एक एनकेप प्रोग्राम भी सरकार शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ग्लोबल एनकेप की सेफ्टी रेटिंग में भी 3 गड़बड़ियां हैं, जिनको सरकार हमारे भारत का जो एनकेप प्रोग्राम शुरू करेगी ना, उसमें निकालेगी। देखिए, आप किसी कार के बेस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट करके रेटिंग देना, ये एनकेप की कमी है। जो कंपनी पैसे दे रही उसके टॉप वेरिएंट का टेस्ट करना और वॉलंटियर क्रैश टेस्ट कराकर उसके कॉपीराइट को बेचना, ये 3 खामियां हैं ग्लोबल एनकेप में। उनको निकाल करके हमारे भारत का खुद का एनकेप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कार एयरबैग की लागत घटाने का भी फायदा अब मिल रहा है। अब 8 पैसेंजर कार में 6 एयरबैग्स भी अनिवार्य कर दिए सरकार ने। पहले 2 एयरबैग का खर्च 12,000 रुपए था, लेकिन सरकार ने PLI स्कीम से इसका खर्च घटाकर 3,000 रुपए कर दिया। इससे कारों की सेफ्टी बढ़ेगी, क्योंकि अब सभी कारों के लिए कम से कम 6 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए गए, राइट। वहीं देखिए अगला अपडेट कि ईवी से एक्सीडेंट को रोकने के लिए भी सरकार कुछ नए नियम ला रही है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आती है, आपको पता होगा दोस्तों कि जो इंजन वाली कार होती है उनमें तो ऑलरेडी कार की साउंड आती है, इंजन की जो नॉइस आती है वॉइस आती है, इसके कारण पता चल जाता है पीछे से अगर कार आ रही हो तो। मान लीजिए सड़क पर ही कोई पैदल यात्री चल रहा है और पीछे से कोई कार लेके आ रहा है, हॉर्न ना भी बजाए तो भी पता चल जाता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, क्योंकि इंजन वाली कारों में तो इंजन की साउंड आती है, राइट। लेकिन ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम ये है कि वो तो कारें इंजन से नहीं बल्कि विद्युत मोटर से चलती हैं, तो इसके कारण उनकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आती है, साइलेंट होती है कारें, राइट। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, खास करके जो पैदल सड़क पर चल रहे होते हैं उन लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ईवी के लिए ये नया नियम लागू करने जा रही है कि ईवी में आवाज के लिए अब स्पीकर सिस्टम कंपलसरी करने जा रही है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कार कंपनियां हैं, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी आएंगे ना, उन सब में एक स्पीकर सिस्टम देना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, जिससे कि स्पीकर के जरिए आवाज आती रहेगी। मतलब इंजन जैसे कार का पता चल जाएगा कि हाँ कार चल रही है, एक साउंड जनरेट होगी उससे, है ना। और ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग अटेंशन सिस्टम भी अनिवार्य होने जा रहा है। हर साल देश में 1.5 लाख सड़क एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन्हीं को कम करना सरकार का मकसद है और इसलिए कुछ ऐसे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार लागू कर रही है, ठीक है ना। और एक अपडेट सरकार ये भी लागू करने जा रही है कि प्लेन की तरह कार में सेफ्टी मिलेगी। अब सभी सीटों पर 3-पॉइंट बेल्ट देना अनिवार्य होगा। अभी बैक सीट वाले बीच में जो पैसेंजर बैठता है उसके लिए सीट बेल्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मतलब कि आगे जो ड्राइवर और को ड्राइवर बैठते हैं उनके लिए तो पर्सनली सेपरेट अलग अलग सीट बेल्ट होती है, राइट। और पीछे वाली सीट पर भी 2 सीट बेल्ट तो अधिकतर कार कंपनियां देती ही है, लेकिन जो बीच में पैसेंजर बैठता है, 5 सीटर कार होती है तो उसमें बीच वाले पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अब सरकार 3-पॉइंट सीट बेल्ट कंपलसरी करने जा रही है। जिस तरह से प्लेन में, एरोप्लेन, हवाई जहाज में सफर करने वाले हर एक यात्री के लिए पर्सनल सीट बेल्ट होती है ना, ठीक वैसे ही कार में बैठने वाले, पीछे बैठने वाले भी तीनों यात्रियों के लिए 3 अलग अलग सीट बेल्ट देना अनिवार्य होगा। सभी कार बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने यह निर्देश भी जारी कर दिया। कल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से भी इस बात को लेकर ऐलान किया गया कि अब सीट बेल्ट जो है वो अनिवार्य होगी। सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों कार फोर व्हीलर को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियम के अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और सरकार की तरफ से नई योजनाएं, नई स्कीम की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।